बाबा बिहारी जी की देख रेख में और ग्रामवासियों की देख रेख में बहुत बहुत ही भारी मतलब ये भंडारा लगता है। मेरी ख्याल पीर मंदिर का पहला भंडारा है सिरसा जिला का, जहाँ हजारों की संख्या में आज श्रद्धालु आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ किसी से चंदा नहीं लिया जाता, यहाँ बाबा का आशीर्वाद खूब बरस रहा है, खूब बरस रहा है। आप देख रहे हैं और जो आज यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए उनको मैं फिर प्रणाम करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना कि ये श्रद्धालु और मिलते रहे। आपके आशीर्वाद से ये तीन डिग्री रात अपनी तरक्की करते रहे। आप जहाँ से भी आए हैं आप अपने काम में एक संस्था अभियान चलाएं और एक मेरे नौजवान युवा साथी को आज कैसे चुनाव चलाने का काम करें। मेरा नाम शरणजीत है, गांव में खेड़ा मेरा है। हाँ जी, लगभग 20 साल तो मुझे देखते को हो गए कि हर बार ये मेला इसी तरह और भैंस के जाता है। पूरे गांव वासी यहाँ पे आके सेवा करते हैं और बहुत ही अच्छा एक व्यू जो देखने को मिलता है। पूरे गांव वासियों की श्रद्धा है, सभी पूरी दिल से सेवा करते हैं और हम भी हर साल यहाँ पे सेवा करते हैं। सुबह से शाम लंगर चलता है, खूब भंडारा, बाबा जी का गुणगान किया जाता है, दीवान सजाए जाते हैं और एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है गाँव वालों की तरफ से और सेवादार की तरफ से। हाँ जी, हम हर साल सुबह लगभग 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है सेवा, हर साल यही 6 बजे से अभी शुरू करते हैं और शाम तक ये चलता है। शाम की भी रात पड़ जाती है कई बार तो गुणगान चलता है, अटूट लंगर चलता है और हर बार बिल्कुल एंड करवा के ही जाते हैं। जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक यही सेवा चलती है, लंगर चलता है और बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम को देखने को मिलता है बाबा जी का। हाँ जी, यहाँ प्रदर्श की बात करें तो आस पास गाँव जितने भी गाँव है शहर है सभी के लिए फ्री व्हीकल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है लोगों के लिए, भक्तों के लिए। उनके आने जाने का फ्री व्यवस्था की जाती है, साधनों की व्यवस्था की जाती है और रश की अगर हम बात करें तो बहुत ही भारी मात्रा में भक्तजन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, लंगर चलते हैं और मेले को मेले की शोभा बढ़ाते हैं। गुरु चरणों में नमन करता हूँ, बाबा जी के चरणों में नमन करते हुए बड़का बाबा त्यागपीर के चरणों में नमन करता हूँ। आज यहाँ हजारों की संख्या का ये विशाल मेला जालपीर की ये आप देख रहे हैं, उनकी महिमा उनका आशीर्वाद कि आज यहाँ हजारों की भीड़ आज यहाँ आया है और उसके अंदर हमारे बाबा बिहारी जी जो दिन रात यहाँ लगे रहते हैं सेवा करते हैं। मैंने बहुत जगह में गया हूँ, मैंने बहुत जगह मौका देखा होगा, बहुत पीर मंदिरों में गया हूँ जहाँ पीरों की सेवा करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा लेकिन बाबा बिहारी का कोई कहना नहीं, ना खाना है ना पीना है ना सोना है, एक ही काम है कि बाबा की सेवा करना। वरना कई पीर मंदिर में जो सेवा करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उनकी बुराई नहीं करता लेकिन वो खाली शांत कमरे में बैठे होते हैं और चमक दमक वाले कपड़े पहन के उस बाबा का आशीर्वाद मिले ना मिले तो वो अपने आशीर्वाद देके लोगों को गुमराह जरूर करते हैं। हम मेरे बाबा का तो कहना नहीं है, बाबा बिहारी नाम भी क्या मिला है, बाबा बिहारी बाकी बिहारी वही रूप असली रूप, ऐसा बाबा हमें यहाँ मिला है जो सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि ऐसे बाबा जो सेवा कर रहे हैं। और जाल बाबा की कृपा देखिए, आशीर्वाद देखिए, चंद दिनों में मैं भी यहाँ आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, क्योंकि वरना सेवादार अपनी सेवा ज्यादा करते हैं, बाबा बाबा की सेवा कर रहा है तो आज ये दरगाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। आज सिरसा के अंदर पीर मंदिर बहुत है क्योंकि यहाँ रानिया में मैं सभी जगह जाता हूँ लेकिन इतना विशाल पीर मंदिर कहीं नहीं है जो रंगड़ी में। ये सिर्फ बाबा का आशीर्वाद
और बाबा बिहारी की सेवा, जब ही आज यहाँ क्योंकि सच्चा सेवादार जब मिल जाता है भगवान को, तो भगवान को ऊपर उठाने में सेवक का ही याद होता है। ऐसा सच्चा सेवक बाबा बिहारी है, जिन्होंने बाबा जानकी को हजारों घर में भेजने का काम किया है, हजारों घरों को आशीर्वाद लाने का काम किया है, उससे ज्यादा बाबा हमारे बीच में है। और बाबा का निरंतर आशीर्वाद टाटा परिवार पे रहता है। मैं यहाँ हर साल मैं ना भी हूँ, कभी ऐसा मौका आ जाता है तो मेरे परिवार के मेरे घर के यहाँ जरूर हाजिर हो जाते हैं बाबा जी। और मैं बाबा को यही कहता हूँ, यही आशीर्वाद बनाए रखना हमारे ऊपर कि भाई गोपाल राणा जी या मैं कोई राजनीति नहीं करते, हम भी समाज सेवा करते हैं, उसी उद्देश्य से हम राजनीति में आए कि हम समाज की सेवा करेंगे और राजनीतिक मोहल्ले बदलेंगे, वो हमने बाबा जी के आशीर्वाद से बदल के दिखाया है। भाई गोपाल राणा ने राजनीति के मोहल्ले बदले हैं सेवा से, कि सेवा भाव से राजनीति में कितनी सेवा होती है वही करके दिखाया है। तो आज मैं यहाँ हमारे बीच में गायक सोहेल गुलजार जी शाहपुर वाले बैठे हैं और बहुत ही सुंदर भजनों की माला गंगा बहा रहे हैं। मैं अभी इन्होंने कहा कि एमएलए साहब वाकई में ठीक है कि गुरुओं का घर होता है, इसके अंदर ना मस्जिद ना गुरुद्वारा ना मंदिर, गुरुओं का घर होता है और जहाँ तिरंगा लहराता है वो भार हमारा है। ऐसा भारत है जहाँ सहमत समझा जाता है, किसी की कोई कहीं से भी कोई सभी जगह पत्थर देखने जाता हूँ मैं, सभी जगह प्यार मिलता है, दुलार मिलता है। तो आज हमारे बीच में हमें सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों मेरे दोस्तों और मेरी माता मेरी बहनें प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच भी आज के सरपंच भी उनका परिवार भी पूरा यहाँ बैठा है, लेकिन मैं क्योंकि आज यहाँ हजारों की संख्या में तैनात हैं मैं सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ दरगाह में बाबा का आशीर्वाद है और यहाँ सभी सेवादार हैं, लेकिन सबके अंदर जैसे बाबा जी लाने हैं वैसे ही हमारे सैनिक साहब भी लगा ले। ये लगातार आपकी रंगड़ी की सेवा हो चाहे दिखतानिया की सेवा हो या पूरे शहर सिरसा की सेवा हो, एक एक मिनट की खबर के साथ आपके बीच में सुरखुरु में रहते हैं। सभी आपके बीच में सोहेल जी आप आइए, लोगों को फिर अपने गंगा में बहाए और आपको सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय बाबा की, जय बाबा बिहारी जी की। धन्यवाद।